हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था और पिछले वीडियो हमने देखा था आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, जिसके बारे में हमने बंगाल गजट से लेकर अंत में हमने कॉमनवेल्थ एनिवेशन, यंग इंडिया, अल हिलाल, महात्मा गांधी जी के कुछ पत्र पत्रिकाएं रहीं जो जिनका प्रकाशन उन्होंने किया, फिर बहिष्कृत कार्डी सभा, जैसे चीज़ों के बारे में हमने जाना। ठीक, तो हमने ये भी जाना कि कुछ एक्ट्स लगाए गए हिंदी समाचार पत्र पर उनको बंद करने के लिए, और उन अधिनियम से, उन कानूनों से बचने के लिए किस पेपर ने कब अपने अपनी भाषा को चेंज कर दिया, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो ये वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इनको ध्यान से सुने और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं। ठीक, तो ये हमने लिखा है, आप देख रहे हैं कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कांग्रेस पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था पढ़ा रहे हैं, तो ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये कई बार कोट के रूप में प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन है ये। ठीक, दूसरा कथन है कि एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें बाहर निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। ये कहा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो आज का वीडियो क्या है? कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं क्या है? आधुनिक भारत में समाज सुधार और राजनीतिक आंदोलनों के पथ प्रदर्शक रहे हैं राजा राम मोहन राय, और इन्हीं को आधुनिक भारत के समाज सुधारक और राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय के सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने 1836 में एक संस्था बनाई, नाम रखा उसका बंग भाषा प्रकाशिका सभा। इसमें देखिए दिया गया है कि 1836 में पहली बार राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। कब की है? 1836 में। तो कांग्रेस का कब हुआ गठन? 1885 में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है ज़मींदारी एसोसिएशन। कांग्रेस से पहले की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि वो संस्थाएं कौन कौन सी थीं। तो ज़मींदारी एसोसिएशन, या नाम है इसका लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी हो या ज़मींदारी एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1838 में। ठीक है, 1838 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई है, और इसके संस्थापक रहे हैं द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, तो जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किया गया, कि स्थापना हुई कलकत्ता में 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, और उद्देश्य रहा है कि जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कब स्थापना की गई है, किसने की है, और इसका उद्देश्य क्या रहा है। ठीक है, आगे है बात हो रही पूना सार्वजनिक सभा की,
जिसकी स्थापना एमजी रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा 1870 में की गई थी। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। ये कब हुई थी, किसके द्वारा हुई है, एमजी रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या है कि 1875 में ब्रिटिश संसद ने क्या किया, 1875 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग कर करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष इसने याचिका प्रस्तुत की, ठीक है। 1875 में 1875 में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। किसने की थी, एमजी रानाडे ने, जो कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्य रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमने अभी लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में बताया, इसके बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि लैंड होल्डर जो सोसाइटी है ये क्या है, ये पहला राजनीतिक संगठन है, ठीक है। ये पहला राजनीतिक संगठन बना जिसने क्या किया है कि संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। पहला राजनीतिक संगठन जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी या फिर जमींदारी एसोसिएशन का कई क्या है इसके बारे में कि पहली राजनीतिक संस्था रही है ये, जिसने क्या काम किया भाई, संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया है और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया है, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी ने, जिसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए आगे देखें, आगे हम देखते हैं अगला है, हम पूना सार्वजनिक सभा के बारे में पढ़ रहे थे, तो पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित हैं एमजी रानाडे, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था क्या कि प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी इन्होंने, ठीक है। तो रानाडे जो थे उन्होंने इस सभा को, मतलब किस सभा को, पूना सार्वजनिक सभा को अपना विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से, किसके सहयोग से, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या फिर भारत संघ की स्थापना कहाँ पे की है, कोलकाता में। किसने की है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, किसके सहयोग से, आनंद मोहन बोस के सहयोग से, ठीक है। कब किए हैं, 1876 में इसकी स्थापना किए हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के सहयोग से, कहाँ पे, कलकत्ता में। कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर पर संस्था का सम्मान इसी को प्राप्त हुआ था, कांग्रेस थी अखिल भारतीय स्तर पर, और उससे पहले अगर कोई संस्था थी जिसको अखिल भारतीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ था तो उस संस्था का नाम था, क्या नाम था, इंडियन एसोसिएशन या फिर याद रखना है भारत संघ नाम है, ठीक है। अब ये तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण थी, कौन, यही आना, ये इंडियन एसोसिएशन या फिर भारत संघ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात हो रही तो इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक संस्था का संस्था स्थापित की है, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी जरूरी है। तो सिविल सेवा परीक्षा पास किए थे 1869 में, कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली पत्रिका का संपादन भी किया, नाम ही था बंगाली, किसका, पत्रिका का, तो पत्रिका का नाम ही बंगाली था, भाषा की बात नहीं हो रही, ये पत्रिका की बात हो रही, ठीक है।
तो बंगाली पत्रिका का संपादन किया इन्होंने, सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी 1869 में। लेकिन क्या होता है कि यह तकनीकी आधारों पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, ठीक है ना, तकनीकी आधार पर क्या किया गया, इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। चलिए, अच्छा, बंगाली पत्रिका को जो इनका जो इन्होंने संपादन किया है या प्रकाशन किया, उसका मुख्य बिंदु क्या था, उसका मुख्य बिंदु था कि जन चेतना का प्रसार करना। तो बंगाली पत्रिका का संपादन का मुख्य उद्देश्य जन चेतना का प्रसार करना मुख्य उद्देश्य रहा है, और ये दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। अब दो बार जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि कब कब रहे हैं और कहाँ कहाँ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इसके बारे में है कि 1851 में इसकी स्थापना हुई है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई है अक्टूबर माह है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अक्टूबर महीने में इसकी स्थापना हुई, वो भी 1851 में, ठीक है। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन हैं, संस्थापक सदस्य हैं राधाकांत देव, जो कि क्या हैं, अध्यक्ष हैं, राजेंद्र लाल मित्र सदस्य हैं, हरिश्चंद्र मुखर्जी और देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव रहे हैं और राधाकांत देव जो थे वो थे अध्यक्ष, ठीक है, इतना आप बात क्लियर हुई। चलिए, तो ध्यान रखना है, हो सकता है कि स्टेटमेंट के रूप में भी आ जाए कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव के नेतृत्व में 1851 में कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं, आगे है सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई 1877 में, 1877 में इसकी स्थापना हुई है और इसके संस्थापक रहे हैं सैयद मीर अली, ठीक ना, सैयद मीर अली के द्वारा 1877 में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र हैं, इन्होंने 1867 में मित्र मेला की स्थापना की, ठीक है। एक मित्र मेला इनकी है और एक हमने बताया था, कौन से बताया था, अभिनव भारत संघ वाली, ठीक है, बीडी सावरकर, ध्यान रखना। तो ये मित्र मेला, चलिए, राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र ने 1867 में, मित्र मेला नहीं है ये, सॉरी, इसका नाम है हिंदू मेला, ठीक है, हिंदू मेला नाम है इसका, मित्र मेला नाम नहीं है। तो 1867 में नव गोपाल मित्र ने क्या किया, हिंदू मेला की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या रहा है कि जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना और देशी उत्पादों को बढ़ावा देना। तो देशी उत्पादों को बढ़ावा देना और जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से नव गोपाल मित्र ने राजनारायण बोस के विचारों से हिंदू मेला का गठन 1867 में किया था, ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई है 1843 में, जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे भी है, और भी संस्थाएं रही हैं कांग्रेस से पहले की, अब उनको उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उनके बारे में एक तो है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, क्या है, बंबई
प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हो रही है? 1885 में, मतलब इधर कांग्रेस का उधर इसका हुआ होगा, या फिर पहले इसका फिर कांग्रेस, पहले इसी का हुआ था, कांग्रेस का बाद में हुआ, ठीक है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई 1885 में फिरोज शाह मेहता, क्या क्या नाम है इनका, नाम है फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता हैं, केटी तैलंग हैं, केटी तैलंग हैं, इसके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी ने, इन तीनों लोगों ने मिलके, कौन कौन, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा, तीनों लोग मिले और तीनों लोगों ने मिलकर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की। और याद रखना ये भी कि इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। कौन किसको किसको, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये है कि त्रिमूर्ति, बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में किसको जाना जाता है, फिरोज शाह मेहता को, केटी तैलंग को और बदरुद्दीन तैयब जी को, ठीक है। आगे अब देख ले, या फिर अगली वीडियो कल, ठीक है, इसके आगे अब कल देखेंगे। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, अगली वीडियो कल मिलेंगे अब। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।